मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने गौंड जनजाति के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। गौंड जनजाति जिसका जो हम खोंडा शब्द से उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो गौंड जनजाति के समय हमने इसके निवास क्षेत्र की चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रमुखता यह पाई जाती है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, गड़जात पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सोनदेवगढ़ चुमुमी, यहाँ पर इनका प्रमुख निवास पाया जाता है। बहुत सी जो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदियाँ हैं, वो भी गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र से ही उत्पन्न होती है। आज हम गौंड जनजाति के विषय में आगे बात करते हैं कि गौंड जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं। कोयटूर वकोल, अपने आप कहते हैं कोयटूर वकोल। और हमने यहीं से बात की थी कि अपने आप को कोयटूर वकोल कहते हैं। और गौंड जनजाति का जो प्रमुख खाद्यान्न वो क्या है, कोदू व कुटकी। गौंड जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न की अगर हम चर्चा करें तो गौंड जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न है कोदू व कुटकी। गौंड जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न कोदू व कुटकी। और अपने आप को क्या कहते हैं, कोयटूर व कोल कहते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। और गौंड जनजाति जब त्यौहार, उत्सव इत्यादि मनाते हैं तो ये प्रमुखता क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। इनका जो भोजन रहता है वो चावल रहता है। जब ये त्यौहार, उत्सव इत्यादि मनाते हैं तो गौंड जनजाति के लोग स्त्री हो या पुरुष हो क्या पहनते हैं, गहने पहनते हैं। और इनके जो आभूषण होते हैं वो चांदी और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। गौंड जनजाति की जो स्त्री और पुरुष है गहने पहनते हैं, इनके आभूषण किसके बने होते हैं, चांदी और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। गौंड जनजाति के लोगों के जो आभूषण है चांदी और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और कांच की चूड़ियाँ स्त्रियाँ पहनती है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों में हम बात करें तो कांच की चूड़ियाँ, मोती के मनके इत्यादि के बनी हुई मालाएं भी क्या करती हैं, ये गौंड जनजाति की स्त्रियाँ पहनती हैं। ठीक है, स्त्रियों की बात करें गौंड जनजाति की, ये क्या करती है, शरीर पर गोदना गुदवाते हैं, जिसे हम कहते हैं टैटू। तो टैटू बनाने का जो काम है, ठीक है, तो ये स्त्री क्या करती है, गौंड जनजाति का आपकी बुक में आप अगर कोई वहाँ पर जो पिक बनी हुई देखोगे तो स्त्रियों के पीठ पर आपको इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के टैटू दिखाई देंगे। इसे यहाँ पर इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गोदना गुदवाना। तो स्त्री क्या करती है, गोदना गुदवाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो गौंड जनजाति के लोग हैं इनके निवासों की हम बात करें, निवास क्षेत्रों की बात करें तो इस प्रकार से घास फूस के मकान बनाकर जो ये रहते हैं, ये जो गौंड जनजाति के लोग नंगले पल्ले यानी छोटे छोटे समूह में, 8-10 झोपड़ियों के समूह में या छोटे गांवों में निवास करते हैं। ठीक है, तो गौंड जनजाति के लोग नंगले या पल्ली जिसे हम कह सकते हैं ढाणी इत्यादि में, जो 8-10 घरों का समूह होता है, वो छोटे गाँव में निवास करते हैं। और जब भी आवास बनाने लगते हैं, यानी आवास जब इनको बनाना होता है, घर जब बनाना होता है, तो ये बतख या मुर्गे की बलि देते हैं। क्या करते हैं, बतख या मुर्गे की बलि देते हैं जब इनको आवास बनाना होता है। और जब इनका आवास बनाया जाता है तो घास फूस इत्यादि काम में ले जाते हैं। इसके अलावा जब ये आवास बनकर कंप्लीट हो जाता है और जब ये यहाँ पर निवास करने लगते हैं तो छोटे से उत्सव का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें इनके औजार क्या काम में लेते हैं, जब ये शिकार कार्य करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये शिकार कार्य करते हैं, वनोत्पादों का संग्रह करें, शिकार तो काफ़ी कम ही कर रहे हैं, खेती का कार्य भी करते हैं ना, शिकार का काम थोड़ा सा इनका कम है, लेकिन ये खेती का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, जिसे बोलते कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसमें काम में लेते हैं जो परंपरागत इनके जो औजार हैं, जैसे फालिया है, खुरपी है, फावड़ा है, दराती, कुलाड़ी और तीर, यानी कि जो पुराने कृषि औजार हैं वो ये काम में लेते हैं। आज जो नए कृषि औजार आए हैं वो भी थोड़ा सा इनमें आज वो इंक्लूड हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख ये काम में ले रहे हैं औजार कौन से, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुलाड़ी और तीर। इनके द्वारा काम में ले जाने वाले औजारों की हम चर्चा करें, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुलाड़ी और तीर। गौंड जनजाति के लोगों की हम समाज और संस्कृति की चर्चा करें, गौंड जनजाति के लोगों की समाज और संस्कृति कैसी है, या ये लोग पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक मतलब है पिता की संपत्ति पर पितृसत्तात्मकता। तो पितृसत्तात्मक मतलब क्या होगा, कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता की संपत्ति पर किसका, बेटी का अधिकार, जो माता की संपत्ति होती है पर इसका बेटी का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं पितृसत्तात्मक, यानी पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, पुत्रों का अधिकार होता है। और जो पिता के जो पुत्र होते हैं 3-4 जो भी हैं वो क्या करते हैं, आपस में पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, इनमें विवाह के विभिन्न नियम जो पाए जाते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें कि इनके विवाह के नियमों की, तो यहाँ पे सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह इत्यादि प्रकार के विवाह यहाँ पर प्रचलित है। सेवा विवाह जो नॉर्मली क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है, सेवा विवाह की चर्चा करें। विनिमय विवाह जब क्या किया जाता है, आदान प्रदान करके, ठीक है, दूल्हा और दुल्हन अलग अलग प्रकार से विभिन्न परिवारों में जब आदान प्रदान करके किया जाता है विवाह, ये विनिमय विवाह हो गया। हरण विवाह जब अपहरण करके, ठीक है, हरण करके जब स्त्री को लाया जाता है, इसी विवाह को हरण विवाह कहते हैं। और विधवा होने के बाद भी यहाँ पे विधवा को विवाह का अधिकार नहीं होता, लेकिन गौंड जनजाति में पाया जाता है अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे भी क्या है ना, शादी करने का यानी कि दोबारा विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से गौंड जनजाति के लोगों में जो सेवा विवाह है, विनिमय विवाह है, हरण विवाह है, विधवा विवाह है, इस प्रकार की प्रथाएं गौंड जनजाति
में प्रचलित है। फिर विवाह समारोह की बात करेंगे, जो आयोजन जो किया जाता है विवाह का, तो आयोजन प्रमुखतया जल के स्रोत के निकट या आम के वृक्ष के नीचे, तो पवित्र स्थान मानते हैं पानी का जो स्रोत होता है, उस पानी के स्रोत के निकट क्या करते हैं, ये विवाह समारोह का आयोजन करते हैं, या आम के पेड़ के नीचे, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे ये विवाह समारोह का आयोजन करते हैं। इनके जो गाँव का मुखिया होता है उसे पटेल या मुखाधन कहा जाता है। देखो जो गाँव का मुखिया है, भीलों जो हमने चर्चा की कि गौंड जनजाति के गांव का, हमने कहा था कि इस प्रकार के छोटे गांव में रहते हैं, तो इनके गांव का जो मुखिया उसे क्या कहते हैं, पटेल या मुखाधन। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे एक नंबर की दृष्टि से 20 शब्दों का जो प्रश्न आता है कि गौंड जनजाति के लोगों के गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पटेल या मुखाधन कहा जाता है। और इनका चौकीदार जो होता है, हेड ऑफ द विलेज को हो गया पटेल या मुखाधन, चौकीदार जो यहाँ पे चौकीदारी का जो कार्य करता है वो कौन होता है, कोतवार होता है। जो चौकीदार होता है उसे क्या बोलते हैं, कोतवार बोलते हैं। देखो मुखिया हो गया, जैसे गांव में मुखिया सरपंच होता है ना, तो यहाँ पे क्या पटेल या मुखाधन, जो चौकीदार होता है, चौकीदार हम समझते हैं, और ऐसे चौकीदार गौंड जनजाति के लोग क्या बोलते हैं ना, कोतवार बोलते हैं। और जो हमारे पुजारी और पुरोहित होते हैं ना, गौंड जनजाति के लोग, पुजारी और पुरोहित को क्या बोलते हैं ना, देवारी। गौंड जनजाति के लोगों के द्वारा जो पुजारी या जो पुरोहित होता है उसे क्या कहा जाता है, देवारी कहा जाता है। आ रहा है कि देवारी क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, देवारी क्या है, गौंड जनजाति के लोगों के द्वारा या गौंड जनजाति में पुजारी या पुरोहित को क्या कहा जाता है, देवारी कहा जाता है। गौंड जनजाति में जो पुजारी और पुरोहित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, देवारी कहा जाता है। जो चौकीदार होता है उसे कोतवार कहा जाता है, और जो गाँव का मुखिया होता है उसे पटेल या मुखाधन कहा जाता है। इस प्रकार से हम गौंड जनजाति के समाज और संस्कृति की चर्चा करते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करें कि गौंड जनजाति के लोग ये द्रविड़ियन भाषा से संबंधित हैं, प्रमुखतया द्रविड़ियन भाषा से संबंधित माने जाते हैं। कन्नड़ और जो द्रविड़ियन भाषा है, ठीक है, इसका संबंध तमिल और कन्नड़ भाषा से भी है, तमिल और कन्नड़ भाषा, यानी तमिल बोलते हैं, कन्नड़ ही बोलते हैं, और इसके अलावा हम बात करें कि हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं, है ना, क्या करते हैं, हिंदू, मराठी और तेलुगु भाषा भी इनके द्वारा बोली जाती है। और जो पूनम यानी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की जो चांदनी होती है, उस चांदनी रात में क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ठीक है, तो ग्रुप बनाकर इनके गांव और जहाँ पल्ली ढाणी जो भी होता है वहां पर क्या करते हैं, पूर्णिमा की जब रात होती है ये ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और समूह में वहां पर इकट्ठे होकर क्या करते हैं, नाचना गाना करते हैं, ठीक है, नाच गाना करते हैं। और जो इनकी प्रमुख गायक जाति होती है ना, धुलिया, ठीक है, क्या होती है, धुलिया होती है, उसके हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम वापस एक बार चर्चा करेंगे इनके स्थानीय अनाज को क्या कहते हैं, कोदू या कुटकी, ठीक है। गौंड जनजाति के स्थानीय अनाज में क्या कहते हैं, कोदू या कुटकी, ये आभूषण इसके पहनते हैं, चांदी और एल्यूमिनियम के बने क्या पहनते हैं, आभूषण या गहने पहनते हैं, ठीक है। इसके क्या करती है, गोदना गुदवाती है, ठीक है, यानी कि टैटू की हम बात करते हैं। और यहाँ पे जो प्रमुख बात हम करें कि विवाह समारोह कहाँ होता है, जल के स्रोत के निकट या आम के पेड़ के नीचे, ठीक है। और गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल या मुखाधन कहा जाता है, और जो चौकीदार होता है उसे कोतवार कहते हैं, पुजारी या जो पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है, देवारी कहा जाता है, और जो चंद्रमा की चांदनी वाली रात पूर्णिमा होती है उस रात को ये क्या करते हैं, लोग इकट्ठे होकर नाचना गाना करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।